16 से सरकार ने हमारे सभी डिपार्टमेंटों, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं चाहे भारत सरकार के हैं, एक प्रमोशन की नीति को रोक दिया था, ठप कर दिया था। उसके बाद ही कुछ एसोसिएशन कोर्ट गए, कोर्ट में अपना अपना जवाब दाखिल करा था। 17 मई को एक आदेश पास करा है अभी कि वो दोबारा से प्रमोशन और रिजर्वेशन में प्रमोशन को लागू किया जाए। तो मेरा ये कहना है इसमें, क्योंकि सभी एसोसिएशन को अभी कुछ को पेपर में आ गया है, कुछ को पता नहीं है, तो हम सरकार को और DOPT को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे फायदे वाली चीज़ है उसको भी ऐसे ही लागू करें जैसे वो हमारे अगेंस्ट वाले को फटाफट कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रमोशन में, उसमें सभी डिपार्टमेंटों को फ़ायदा होगा अगर उसे लागू कराने के लिए हम अपनी बात को सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, DOPT को पहुंचाना चाहते हैं। तो हो सकता है अब हम सारे लोग जो एसोसिएशन वाले हैं वो बात अगर उन तक पहुंचेगी तो उसको ज़रूर लागू करेंगे, अन्यथा सरकार भी ये सोचेगी कि भाई जब ये एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो क्यों ना उसको लागू करा जाए। तो हमारे साथी बहुत उसमें वंचित हैं, 2016 से रहे हैं, अगर उसमें हो जाए, कुछ रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हैं, अगर प्रमोशन में ये इसको जल्दी लागू कर देंगे, परंतु तो रोस्टर में भी और जो पेंडिंग पड़े हैं जितने भी प्रमोशन नहीं हुए थे 2016 से, इन 2 साल में सबके हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि इसको मीडिया के थ्रू हम अच्छा संदेश देना चाहते हैं। हम कोई किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते, DOPT की आलोचना नहीं करना चाहते, हम अपनी बात को, जो हमें दिक्कत है और हमें परेशानी है, उसको आप लोगों के द्वारा, हम मीडिया के द्वारा सरकार को, DOPT को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे उस पर जल्दी अमल हो। अमल होगा तो हमारे साथी जितने भी लोग उससे वंचित हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा और उनको कोई भी बेनिफिट है। जैसे लोग पीछे जनरल वाले आगे पहुंच गए हैं, हमारे लोग रुके हुए हैं, तो अगर जब वो पहुंचेंगे तो वो हीन भावना भी होगी कि हमारे सीनियर लोग थे कुछ, और वो प्रमोशन रुकने के बजाय उससे जूनियर लोग जनरल के आगे पहुंचे हुए हैं। जब वो आगे पहुंचे हुए हैं तो वो उस हीन भावना से देखते हैं कि पहले मेरा अफसर था, आज मेरे नीचे काम कर रहा है। तो जब वो लागू हो जाएगा और उनके प्रमोशन हो जाएंगे तो उनको एक काम करने की शक्ति भी अंदरूनी बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ेगा कि हमारे जो साथ हुआ था पहले वो गलत करा था। और कोर्ट का आदेश है, उसको मानना चाहिए। एट्रोसिटी का मामला था, कोर्ट ने फटाफट आदेश दिया और सरकार ने फटाफट सर्कुलर निकाल दिए, पेपर में भी निकाल दिए, न्यूज़ में भी निकाल दिए, सब में निकाल दिए। जब कहीं बात फायदे वाली आती है उसको धीरे धीरे छिपाने की कोशिश करते हैं कि पता न लग जाए। जब अब इनको पता लगेगा तो इनको सरकार को, DOPT को, सारे डिपार्टमेंटों में एक सर्कुलर जाता है, वो जाना चाहिए सभी मंत्रालय में। जब उस मंत्रालय में जाता है तो अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट में, नीचे वाले अधीन ऑफिसों में भेजा जाता है। जब वो भेजा जाता है तो वहाँ की एसोसिएशन होती हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो हम कोशिश करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डायरेक्टर से कहने के लिए सर इसको लागू कीजिए। जब वो ज़्यादा इधर उधर बात करते फिर उनको सर्कुलर भी दिखाया जाता है, सर हो गया तो क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि मतलब इसको हम आज बड़े अच्छे तरीके से मीडिया के थ्रू भेजना चाहते हैं। अगर इसमें भी उन्होंने कोई लापरवाही करी, फिर दोबारा करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे फिर भेजने के लिए, और न्यूज़ में भी निकलवाएंगे, पेपरों में भी देंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, न्यूज़ वालों का सभी का। आप आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी बात को आप वहाँ तक आगे तक पहुँचाएंगे।